नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेजने के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन ने गंभीर रूप ले लिया है। इस हिंसा में अब तक 72 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। उपद्रवी भारतीय मूल के लोगों को निशाना बना रहे हैं। वे उनकी दुकानों और व्यावसायिक इकाइयों में लूटपाट कर रहे हैं। उपद्रवियों ने सैकड़ों शॉपिंग सेंटर्स, मॉल, गोदामों, घरों और गाड़ियों में आग लगा दी है। कई हाईवे जाम कर दिए हैं। संचार सुविधाएं तहस नहस कर दी हैं। आगजनी लूटपाट में करीब 10,400 करोड़ रुपए के माल का नुकसान हुआ है। पुलिस ने हिंसा के आरोप में 3,000 लोगों को गिरफ्तार किया। रक्षा मंत्री नेसिविव नकुला ने कहा है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में 10,000 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। स्थिति ज्यादा बिगड़ने पर और 20,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उपद्रवियों ने क्वाजुलू नटाल और गौतेंग प्रांतों में ज्यादा लूटपाट की है। क्वाजुलू नटाल पूर्व राष्ट्रपति जुमा का गढ़ है। डर्बन, सेवोटो, जोहान्सबर्ग में भी हालात खराब हो रहे हैं। पूरे देश में खाद्य संकट पैदा हो गया है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने मौजूदा हिंसा को दक्षिण अफ्रीका में 90 के दशक के बाद की सबसे बड़ी हिंसा बताया है। साल 1994 में रंगभेद के खिलाफ भारी हिंसक प्रदर्शन यहां पर हुए थे। उसके बाद से ही एक बार फिर इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस हिंसक प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, हजारों लोग घायल हैं और करीब करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। संचार सुविधाएं पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई हैं और मॉल्स को, गोदामों को लूटा जा रहा है। बुरी तरीके से आम लोगों को मारा जा रहा है। सैनिक तैनात है लेकिन सैनिक पर्याप्त नहीं पड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा बयान सामने आ रहे हैं कि जरूरत पड़ती है तो 20,000 सैनिक और ज्यादा वहां पर तैनात किए जाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी है। भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक इस कदर है कि वहां पर फिलहाल तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि वो तस्वीरें दिखाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस बीच कंधार में तालिबान को कुछ दिनों से कवर कर रहे भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित हो चुके सिद्दीकी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे। रॉयटर्स की जानकारी के मुताबिक दानिश शुक्रवार को तालिबान के लड़ाकों और अफगान आर्मी के बीच जंग को कवर कर रहे थे। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। दानिश सिद्दीकी की हत्या पर रॉयटर्स ने शोक जाहिर किया है। दानिश सिद्दीकी मूल रूप से मुंबई के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम अख्तर सिद्दीकी है। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई। जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गए। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। 2007 में दानिश ने जामिया में एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की है। ये बेहद ही भयावह है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक जो हैं वो पीछे हट चुके हैं, जिसके बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि तालिबानी जो आतंकी हैं वो अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं, जिसकी वजह से वहां के जो आम नागरिक हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय पत्रकार फोटो जर्नलिस्ट दानिश वहां पर लगातार इस पूरी हिंसा को कवर कर रहे थे। इसी बीच उनकी हत्या कर दी गई। एक वीडियो भी दानिश का सामने आया था कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बाल बाल हमले में बचे हैं लेकिन इस बार वो बच ना सके। हालांकि उम्मीद है कि भारत सरकार इस पूरे मामले पर एक बड़ा कदम जरूर उठाएगी। तो भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई है, जिसमें अब भारतीय मीडिया में शोक की लहर है और हर कोई सवाल उठा रहा है कि आखिर पत्रकार जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार हर खबर आप तक पहुंचाता है, उसकी सुविधा कहीं भी नहीं है। अफगानिस्तान में इस समय हजारों लोगों की जान जा चुकी है। तालिबानी आतंकी कहर बरपा रहे हैं। सार्स सीओवी 2 संक्रमण के पहले हफ्ते में जिन लोगों में 5 या उससे ज्यादा लक्षण दिखते हैं उनमें लंबे वक्त तक कोविड रह सकता है, चाहे उनकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। अध्ययनों की एक समीक्षा में ये जानकारी सामने आई है। लंबे समय तक रहने वाले कोविड में मरीजों में काफी वक्त तक लक्षण रहते हैं। कई बार कुछ महीनों तक समीक्षा में लंबे समय तक कोविड के लक्षणों की व्यापकता, जटिलताओं और प्रबंधन पर वर्तमान अनुसंधानों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। ये समीक्षा जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन
मेडिसिन में प्रकाशित हुई है। ब्रिटेन के बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि समीक्षा में व्यापक प्रसार वाले आंकड़ों में लंबे कोविड के 10 सबसे आम लक्षण सामने आए हैं। इनमें थकान, सांस फूलना, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द, सीने में दर्द, सूंघने की शक्ति चले जाना, दस्त और स्वाद आना शामिल है। अनुसंधानकर्ताओं ने लंबे समय तक रहने वाले कोविड के 2 मुख्य लक्षण समूह की पहचान की है, जिनमें विशेष रूप से थकान, सिरदर्द और ऊपरी श्वसन तंत्र संबंधी शिकायतें शामिल हैं, और जिन्हें लगातार बुखार एवं पाचन तंत्र संबंधी लक्षणों सहित शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ी शिकायतें हैं। अध्ययन के प्रमुख लेखक आलोलेकन ली यूबीसी ने कहा है कि इस बात के प्रमाण है कि मरीजों पर तीव्र कोविड 19 के प्रभाव चाहे तीव्रता जितनी भी हो, ज्यादातर गंभीर मामलों में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी उनकी खराब जीवन गुणवत्ता, मानसिक स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों तक लगातार असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि लंबे कोविड के साथ जी रहे लोगों को आमतौर पर लगता है कि वे अकेले हैं और स्वास्थ्य प्रदाताओं ने उन्हें छोड़ दिया है तथा उन्हें सीमित या विरोधाभासी सलाह मिलती है। तो ये वो मुख्य लक्षण थे जो लगातार जो कोविड के मरीज हैं, जो ठीक भी हो चुके हैं, उनमें भी देखे जा रहे हैं। तो पहले हफ्ते में 5 से ज्यादा लक्षण बेहद खतरनाक है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जो ठीक होने के बाद भी लगातार बरकरार रहते हैं। ऐसे में मानसिक, शारीरिक दोनों रूप से कोविड के जो मरीज ठीक होते हैं उन्हें जूझना पड़ता है, उन्हें लगता है कि वो अकेले हैं। ऐसे में जरूरत है कि परिवार उनका साथ दे और परिवार लगातार उनके साथ बना रहे। हालांकि कोविड 19 के जो गाइडलाइंस है उनका पालन जरूरी है, क्योंकि अगर आप उनका पालन नहीं करते तो आप भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित 100 साल से अधिक पुराने गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा को मरम्मत और दोबारा खोले जाने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के शीर्ष निकायों को सौंप दिया गया है। इस गुरुद्वारे को 2 दशक पहले एक पुस्तकालय में तब्दील कर दिया गया था, जिसका सिख समूह ने पुरजोर विरोध किया था। फिलहाल यह गुरुद्वारा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार के नियंत्रण में है। इक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के अध्यक्ष आमिर अहमद ने कहा कि पूरी तरह से विचार विमर्श के बाद केपी के सरकार ने आखिरकार बोर्ड के रुख को स्वीकार कर लिया है और मनसेहरा जेल में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का कब्जा ईटीबीपी को देने पर सहमति जता दी है। ईटीबीपी एक वैधानिक बोर्ड है जो उन हिंदुओं और सिखों की धार्मिक संपत्तियों और तीर्थ स्थलों का प्रबंधन करता है जो विभाजन के बाद भारत में चले गए थे। अहमद ने कहा कि अपनी मूल वस्तुकला और आकार में बराबर ऐतिहासिक और शानदार गुरुद्वारे को जरूरी मरम्मत के बाद कुछ महीनों में सिखों के लिए खोल दिया जाएगा। अध्यक्ष ये भी कहते हैं कि ईटीबीपी पर इसका नियंत्रण एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये देश के उत्तरी क्षेत्र में पहला गुरुद्वारा होगा जिसके परिणाम स्वरूप धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रांतीय सरकार ने 20 साल पहले स्थानीय सिख समुदाय के विरोध के बावजूद गुरुद्वारे को नगर पुस्तकालय भवन में बदल दिया था। विभाजन के बाद से गुरुद्वारा पूजा के लिए बंद कर दिया गया था। हजारों की संख्या में सिख संत सरदार गोपाल सिंह साथी ने 1905 में गुरुद्वारे की आधारशिला रखी थी, लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जल्द ही इस गुरुद्वारे को एक बार फिर से पूजा के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल इसे एक पुस्तकालय में तब्दील कर दिया गया है, जिसका लगातार सिख समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। इस गुरुद्वारे को करीब 100 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। 100 साल पहले इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन उसके बाद विभाजन के बाद ये जो पूरा हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया, तो पाकिस्तान ने इसे पुस्तकालय में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारत के इस दावे को खारिज किया है कि यहां स्थित भारतीय उच्चायोग परिसर के ऊपर पिछले सप्ताह एक ड्रोन उड़ते देखा गया था। इस्लामाबाद ने कहा है कि दावे के समर्थन में कोई सबूत साझा नहीं किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के ऊपर एक ड्रोन उड़ता देखा गया था और पाकिस्तान से घटना की जांच करने तथा इस तरह की सुरक्षा चूक की पुनरावृत्ति रोकने को कहा गया। घटनाक्रम से अवगत लोगों ने नई दिल्ली में कहा है कि भारतीय मिशन ने घटना को लेकर पाकिस्तान के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर गत 27 जून को विस्फोटकों से लदे मानव रहित विमानों से हमला किए जाने के बाद भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान में बढ़ती चिंताओं के बीच
इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग परिसर के ऊपर ड्रोन दिखने की खबर सामने आई है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने यहां मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में दावों को भारतीय दुष्प्रचार करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान और भारतीय मीडिया के एक तबके में आई खबरों को देखा, जिसमें इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग परिसर के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे जाने का आरोप लगाया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। हालांकि पाकिस्तान इसे पूरी तरह से गलत बता रहा है, लेकिन भारत में ये ड्रोन देखा गया था, जिसके बाद से ही ये खबरें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी। अमेरिकी सीनेट ने बुधवार को एक बिल पारित करके चीन के शिनजियांग प्रांत में बने सभी उत्पादों पर बैन लगा दिया। यहां उइगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार और मानवाधिकारों को कुचले जाने के विरोध में अमेरिका ने एक कदम उठाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने बंधुआ मजदूरी और उइगर मुसलमानों सहित अन्य अल्पसंख्यकों के नरसंहार की वजह से चीन को सबक सिखाने के लिए आर्थिक झटका दिया है। फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबिया ने ओरेगन के सीनेटर जेफ मोकरी के साथ मिलकर यह बिल पेश किया था। बिल पारित किए जाने के बाद एक बयान में उन्होंने कहा कि यह बीजिंग और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को संदेश है जो शिनजियांग में बंधुआ मजदूरों से लाभ कमाते हैं, अब और नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मानवता के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अपराधों को लेकर अमेरिका आंखें नहीं मूंद सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका ने तमाम उत्पादों को लेकर बड़े फैसले लिए थे और चीन से जो भी उत्पादन हो रहा था, जो अमेरिका को चीन भेज रहा था, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। एक बार फिर से रोक लगाई गई है तमाम चीजों को लेकर। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने हवाला दिया है कि जो उइगर मुसलमान है उस पर लगातार जो चीनी सेना है और जो चीन सरकार है पूरी तरह से अत्याचार कर रही है, मानव अधिकारों को कुचल रही है, जिसकी वजह से अमेरिका ये फैसला लेने पर मजबूर है। तो अमेरिका ने एक बार फिर से बेहतर कदम और बड़ा कदम उठाया है, जो कि चीन के खिलाफ है। जो शिनजियांग शहर है, जहां से कई उत्पाद जो है वो अमेरिका जाते थे, उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अमेरिका ने हवाला दिया है कि चीन जो है वहां पर जो मानवाधिकार है उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जो इगर मुसलमान है, जो बंधुआ मजदूर है, उनसे जबरदस्ती वहां पर काम करा जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, उनके साथ हिंसा की जाती है। इसी वजह से अमेरिका चीन का बहिष्कार करता है। कई चीजों का बहिष्कार किया गया है, कई शहरों का बहिष्कार इससे पहले भी किया जा चुका है। चीन नए नए रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। चीन ने अंतरिक्ष में ध्यान पैदा करने का दावा किया है। चीन ने अंतरिक्ष में पैदा किए गए ध्यान को स्पेस राइस दिया है। चीन इसकी पहली फसल को बीज के रूप में धरती पर लाया है। वहीं चीन के सोशल मीडिया यूजर्स स्पेस राइस को स्वर्ग का चावल भी कह रहे हैं। चांद पर एक अनुसंधान केंद्र तैयार करने की भी चीन की योजना है। एक खबर के मुताबिक चीन ने पिछले साल नवंबर में अपने चंद्रयान के साथ धान के बीज भी अंतरिक्ष में भेज दिए थे। अब अंतरिक्ष यान के जरिए 1500 धान के बीज धरती पर आए हैं। इसका वजन 40 ग्राम है। इनको दक्षिण चीन कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बोया जाएगा। अंतरिक्ष में ये बीज ब्रह्मांडीय विकिरणी और शून्य गुणवत्ताकर्षण के संपर्क में रहे, फिर इनको वापस धरती पर लाया गया है। इन बीजों की लंबाई अब करीब 1 सेंटीमीटर है। ग्वांडोंग के दक्षिणी चीन कृषि विश्वविद्यालय के अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र के उप निदेशक गो तावा के मुताबिक सबसे बेहतर बीज प्रयोगशालाओं में तैयार होंगे। इसके बाद इन्हें खेतों में लगाया जाएगा। अंतरिक्ष के वातावरण में कुछ समय तक रहने के बाद बीज में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। धरती पर बोने से इनकी ज्यादा पैदावार होती है। न केवल धान बल्कि दूसरी फसलों के साथ भी इस तरह के प्रयोग होते हैं। बता दें कि चीन ने साल 1988 से चावल और दूसरी फसलों के बीज को अंतरिक्ष में ले जाने की पूरी कवायद कर दी थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन अब तक 200 से ज्यादा फसलों के साथ इस तरह के प्रयोग कर चुका है। इन फसलों में कपास से लेकर टमाटर तक शामिल है। चीन के मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में चीन ने 24 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खेती के लिए अंतरिक्ष से आए बीज का इस्तेमाल किया था और ये काफी अच्छी खेती हुई थी। आपको बता दें कि चीन इस तरह की चीजों को लेकर लगातार सुर्खियों में बना रहता है। हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए खरीदी जाने वाली पुस्तकों में अनियमितताओं और करोड़ों के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। कुछ प्रकाशकों ने पत्र लिखकर घोटाले के आरोप लगाए हैं और उनके निशाने पर शिक्षा विभाग के अधिकार हैं। इस मामले पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सामने आए और उन्होंने सभी तरह के आरोपों पर विभाग को क्लीन चिट दी है।
शिक्षा मंत्री का कहना है कि पहली बार पुस्तक खरीद की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी प्रकाशक को पुस्तक खरीद का ऑर्डर नहीं दिया गया और ना ही किसी तरह की खरीदारी हुई है, तो ऐसे में घपले का सवाल ही नहीं उठता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि इसके लिए जो टेंडर कॉल किए गए थे उसके लिए 4 राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन दिए गए थे। इसके लिए 863 पब्लिशर्स ने आवेदन किया गया। विभाग की ओर से इसके लिए 12 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। विभाग के पास इस संबंध में 250 सैंपल पहुंचे थे जिनमें से 49 को शॉर्ट लिस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि किसी के कागजों में कहीं कमी होगी तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। साथ ही कहा कि किसी तरह के घोटाले का कोई मसला नहीं है। कई बार व्यापारियों के आपसी झगड़े होते हैं जिसके लिए इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। बता दें कि समग्र शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना कार्यालय पुस्तकालयों के लिए 10 करोड़ रूपए की किताबों की खरीद कर रहा है। आरोप है कि वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए 49 फॉर्म शॉर्टलिस्ट किए गए, उनमें से चयनित 33 फॉर्मों के पते 8 पतों पर दर्ज है, यानी कंपनी के पते को 8 प्रकाशकों ने अपना पता बताकर विभाग के पास दर्ज कराया है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रकाशकों ने यह भी आरोप लगाया है कि 2019-20 में करीब 10 करोड़ रुपए की किताबें खरीदी गई, वो बिना टेंडर प्रक्रिया की खरीदी गई हैं। पुस्तक खरीद में छूट पर गड़बड़ झाला लगातार देखने के लिए मिल रहा है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर ईमेल के जरिए और भी दूसरे माध्यम से ये जानकारी दी है कि बैंक ने अपने ईमेल मैसेज में बताया कि इस दौरान बैंक का शेड्यूल मेंटेनेंस का काम हो रहा है, इसलिए 18 जुलाई को रात 12 बजे से 6 बजे के बीच नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज बंद रहेगी। इससे पहले आपको बता दूं कि SBI भी ऐसा कर चुका है और इस तरह के कदम उठा चुका है और इस दौरान अगर कोई ग्राहक इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है तो वह नहीं मिल पाएगा। बैंक ने इसके लिए खेद भी व्यक्त किया है। बैंक से ग्राहकों को भेजे गए एक ईमेल संदेश में कहा गया है कि कुछ निर्धारित मेंटेनेंस गतिविधियों की वजह से 18 जुलाई को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। असुविधा के लिए हमें खेद है कि HDFC बैंक भारत के निजी क्षेत्र का काफी दिग्गज बैंक है और ये अपने ग्राहकों को लगातार सेवाएं बेहतर देने की कोशिशों में लगा रहता है। बैंक में पहले इंटरनेट सेवाओं की बाधा को लेकर कई समस्याएं आई थी जिसकी वजह से बैंक अब सचेत है। बता दें कि कोरोना लॉकडाउन में ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए बैंक ने हाल में 19 शहरों के 50 जगहों पर मोबाइल ATM उपलब्ध कराने का ऐलान भी किया था। इन ATM से ग्राहक 15 तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ाने और उद्योग धंधे स्थापित करने की कोशिशों में जुटी हुई है। उद्यमियों को अब मन मुताबिक सुविधाएं और माहौल मिलने के कारण तेजी से उनका रुझान प्रदेश में निवेश के लिए बढ़ा है। IT सेक्टर से लेकर अलग अलग उत्पाद बनाने वाली कंपनियां प्रदेश में अपनी यूनिट लगा रही है। इसकी बानगी राजधानी लखनऊ के करीब बाराबंकी जनपद में देखने को मिली है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड बाराबंकी में 300 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। कंपनी ने उद्यम स्थापना के लिए जमीन खरीद ली है और साथ ही उस पर काम भी शुरू कर दिया है। यूपी औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि ब्रिटानिया की तरफ से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में किए जा रहे निवेश से न सिर्फ प्रदेश का विकास होगा बल्कि लगभग 1000 लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी होगा। साथ ही बेकरी प्रोडक्ट से संबंधित उद्यम स्थापना से आसपास के किसानों को भी इसका लाभ मिल सकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यालय में उत्तर प्रदेश में एक स्वास्थ्य व्यावसायिक वातावरण तैयार हुआ है। अपराध के प्रति राज्य सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बड़े पैमाने पर सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। लोगों में डर का माहौल नहीं रहा, बिना डर के निवेशक अब प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। सतीश महाना ने बताया कि COVID-19 आने के बाद बदलती हुई परिस्थितियों में अनेक नई नीतियां लागू की गई। पिछड़े क्षेत्रों के लिए तुरंत निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के अंतर्गत प्रदेश के पूर्वांचल मध्यांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए फास्ट ट्रैक मोड में औद्योगिक इकाइयों को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निजी औद्योगिकी की पत्रता सीमा 100 एकड़ से घटकर 20 एकड़ कर दी गई है। साथ ही पश्चिमांचल और मध्यांचल में 150 एकड़ से घटाकर 30 एकड़ किया गया है। पश्चिमी जर्मनी और बेल्जियम के कई इलाकों में आई विनाशकारी बाढ़ में 102 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। यह संख्या बढ़ भी सकती है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि सैकड़ों लापता या खतरे का सामना कर रहे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जर्मनी के रिनलैंड
प्लाटिनेट राज्य में अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 12 लोग सिंजिंग में दिव्यांग आश्रय केंद्र में रहने वाले थे। पड़ोस के उत्तर री वेस्ट फालिया राज्य के अधिकारियों ने मृतकों की संख्या 43 बताई है और चेतावनी जारी की है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमेयर ने कहा है कि वो बाढ़ के कारण हुए विनाशास्पद है और उन्होंने जनता से इस आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों तथा व्यापक नुकसान झेलने वाले शहरों और कस्बों की मदद करने का अनुरोध भी किया है। स्टाइनमेयर ने शुक्रवार में अपने बयान में कहा कि मुश्किल किस घड़ी में हमारा देश एक साथ खड़ा है। ये महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों के प्रति एकजुटता दिखाएं जिसने बाढ़ से अपना सब कुछ लुटा दिया और बाढ़ ने जिनका सब कुछ छीन लिया। शुक्रवार को बचावकर्ता कुलिंगिन के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक्साइड शहर में अपने घरों के भीतर फंसे लोगों को निकालने की कोशिशों में जुटे रहे। क्षेत्रीय अधिकारियों ने कहा कि कई लोग जमीन खिसकने के चलते घर टहलने के कारण मर गए, जब उनके नीचे की जमीन अचानक धस गई थी तो कई घर ढह गए और कई लोग ऐसे थे जो उस समय टहल रहे थे, यानी कि वॉकिंग कर रहे थे, जिस दौरान ये आपदा आई। नई दिल्ली की यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर की गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते इस साल एकेडमिक सेशन भी लेट हो गया है और एग्जाम भी समय से नहीं हो सके हैं। आयोग ने पूरे सेशन को रेगुलेट करने के लिए सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि 2021-22 सेशन के लिए फर्स्ट ईयर कोर्सेज में एडमिशन 30 सितंबर तक पूरे करने होंगे। खाली बची सीटों पर एडमिशन 31 अक्टूबर तक पूरे करने होंगे। इसके अलावा सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को 1 अक्टूबर से नया एकेडमिक सेशन भी शुरू करना होगा। परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन या मिक्स तरीके से 31 अगस्त तक पूरी करनी होगी। यूजीसी ने माना है कि यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए 12वीं के बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जारी होने जरूरी है। चूंकि सभी बोर्ड 31 जुलाई तक अपने बोर्ड रिजल्ट जारी करने वाले हैं, ऐसे में ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन अगले एक महीने यानी कि 30 सितंबर तक पूरे हो जाने चाहिए। सेमेस्टर एग्जाम या सेमेस्टर ब्रेक पर फैसला लेने का अधिकार इंस्टीट्यूट के पास ही रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के गांधीनगर के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। ये देश का पहला रीडेवलप स्टेशन है और यहां यात्रियों का एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलती रहेंगी और इस तरह से उनका स्वागत भी होगा। कोरोना के कारण रेलवे स्टेशन का उद्घाटन समारोह डिजिटल तरीके से आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन करने से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन का दौरा किया और 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रेल मंत्री ने स्टेशन के उन्नत बुनियादी ढांचे को दिखाते हुए ट्विटर पर एक सेल्फी पोस्ट की है। फोटो टिकट काउंटर पर ली गई थी। यहां कुछ कर्मचारी कांच के विभाजन के पीछे बैठकर यात्रियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्टेशन जिसे फूलों से सजाया गया था, यह देश का पहला रीडेवलप रेलवे स्टेशन है और यहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। वैष्णव ने ट्वीट कर कहा, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन देश की आकांक्षाओं को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला प्रोजेक्ट है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन अब आधुनिक हवाई अड्डों की तरह है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाओं को शामिल किया गया है। यह अब एक विकलांग अनुकूल स्टेशन है जिसमें एक विशेष टिकट बुकिंग काउंटर है, रैंप, लिफ्ट और समर्पित पार्किंग की जगह भी है। स्टेशन में एक 5 सितारा होटल भी होगा जो एक निजी संस्था द्वारा चलाया जाएगा और पूरी इमारत का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग सुविधाओं के लिए किया गया है। इसमें 71 करोड़ की लागत लगाई गई है। अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। भारतीय नौसेना लॉकहीड मार्टिन के बनाए 24 हेलीकॉप्टर्स को अमेरिकी सरकार ने 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत से फॉरेन मिलिट्री सेल्स के साथ खरीदा है। नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड सैन डिएगो में शुक्रवार को एक समारोह आयोजित किया गया था जिसमें अमेरिकी नौसेना से भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टरों के औपचारिक ट्रांसफर को मार्क किया गया। इस समारोह में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने भाग लिया। इस समारोह में वाइस एडमिरल कैथेथ वाइटसेल, कमांडर नेवल एयर फोर्सेस यूएसी नेवी और वाइस एडमिरल रवनीत सिंह डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के बीच दस्तावेजों को लेकर प्रक्रिया पूरी हुई। कार्यक्रम में अमेरिकी नौसेना और लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन का वरिष्ठ नेतृत्व भी मौजूद रहा। भारतीय राजदूत ने कहा है कि
हर मौसम में काम करने वाली मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों को शामिल करना भारत अमेरिका के बीच बने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह सिद्धू ने कहा है कि भारत अमेरिका की दोस्ती आसमान को छू रही है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में द्विपक्षीय रक्षा व्यापार बढ़कर 20 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा व्यापार से आगे बढ़ते हुए भारत और अमेरिका रक्षा प्लेटफॉर्मों को को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर एक साथ लगातार काम कर रहे हैं और ये तरक्की यूं ही होती रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। नमस्कार। नहीं रहेगी तो 1400 साल का आप क्या समझते हैं कि जो काम 1400 साल में नहीं हुआ केवल 2-4 साल में हो जाएगा?